everyone, welcome back to my channel, Make Cooking Easy with Aradhya. तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी और डिलिशियस वाटरमेलन की आइसक्रीम. अब नॉर्मल स्ट्रॉबेरी वनीला चॉकलेट आइसक्रीम तो खाते ही रहते हैं, तो वाटरमेलन आइसक्रीम क्यों ना बना ली जाए. तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से तरबूज का 3/4 हिस्से का पूरा जो पल्प है वो ले लिया है. आपको उतना पल्प लेना है जिससे ब्लेंड करने पर हमें 2 से 2.5 कप जूस मिले. तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. और फिर जिस भी बर्तन में आप इसे कुक करना चाहिए, जिस कढ़ाई में, आप उसी के ऊपर एक छन्नी रख दीजिए और उसमें जो हमने ब्लेंड किया है अपना मिक्सचर उसे पोर करके छान लीजिए. तो आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा कि किस तरीके कितने से हमें 2 या 2.5 कप जूस मिल जाए. आप चाहे तो प्री मेड वाटरमेलन जूस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी बेस्ट टेस्ट के लिए आप फ्रेश वाटरमेलन जूस से बनाए. तो इसे अच्छे से छान लीजिएगा. तो छानने के बाद अगर कोई भी पल्प बचा है तो उसे हटा लीजिएगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लगभग 2 कप जूस निकला है. तो इसको अब हम लोग रख लेंगे फ्लेम पर, और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप और 2 बड़े चम्मच चीनी. अगर आपका 2.5 कप जूस है तो आप 1/2 कप चीनी डाल सकते हैं. उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और जब चीनी अच्छे से मेल्ट होके डिजोल्व हो जाए इस वाटरमेलन जूस में, फिर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, आप जिसे कॉर्न स्टार्च भी कह सकते हैं. कॉर्नफ्लावर डालते वक्त आप थोड़ा सा मिक्स करते रहिएगा ताकि इस कॉर्नफ्लावर के लम्ब्स ना बने, क्योंकि कॉर्नफ्लावर के लम्ब्स बहुत ही ईजिली बन जाते हैं. और अच्छे से मिक्स करने के आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि आप जो वाटरमेलन का मिक्सचर है वो अपने आप थिकन होने लगेगा, और 1 से 2 मिनट के बाद ही अच्छे से थिक हो जाएगा. फिर आप इसमें डाल दीजिएगा 1 कप फाइनली चॉप्ड वाटरमेलन चंक्स. तो ये टूटी फ्रूटी की तरह काम करेंगे, बट जस्ट वाटरमेलन. आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी आप इसे ऐड करें. तो आप इसे 1 से 2 मिनट और कुक कर लीजिएगा और आप देखेंगे ये एकदम अच्छे से थिक हो जाएगा. फिर फ्लेम को ऑफ करके आप इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा. मेक श्योर करिएगा आप इसे फ्रिज में रखें ठंडा होने के लिए. तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम लोग 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे और उसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे सॉफ्ट पीक्स तक. तो पहले आप लो स्पीड पे व्हिप करेगा, फिर धीरे धीरे हाई जाइएगा. 2 से 3 मिनट में हमारी क्रीम व्हिप हो जाएगी, और आप एकदम चिल्ड क्रीम यूज करिएगा तभी वो अच्छे से व्हिप होगी. तो यहाँ पर हमारे सॉफ्ट पीक्स है बनकर तैयार. अगर स्टिफ पीक्स भी हो जाते कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. तो हम अपने अभी बीटर को रख देंगे साइड में. और अगर आपकी गर्मी के मौसम में बनाने से अगर आपकी क्रीम थोड़ी सी गर्म हो गई है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिएगा, जैसे मैंने रख दिया था. फिर एक बार इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे, और जो हमने अपना वाटरमेलन का मिक्सचर बनाया हुआ रखा था हम उसे अपने फ्रिज से निकाल लेंगे. ये थोड़ा सा सेट सा हो गया होगा आप देख सकते हैं. तो इसे आप इलेक्ट्रिक बीटर या फिर हैंड मिक्सर की हेल्प से इसे एक बार अच्छे से फेंट लीजिए ताकि ये थोड़ा सा लूजन अप हो जाए. तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है. फिर से मैंने ले ली है अपनी व्हिपिंग क्रीम, और इसमें अपने वाटरमेलन के मिक्सचर को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसे ऐड करिएगा. आप इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसे भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर एक स्पैचुला या विस्कर की हेल्प से भी इसे क्रीम में मिक्स कर सकते हैं. बस आप इंश्योर करिएगा आप किसी भी तरीके से वाटरमेलन को अच्छे से कोऑपरेट करें ताकि वो पूरे व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स हो. तो यहाँ पर मैंने इसे 2 बैचेस में डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है. तो अब मैं इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाली हूँ जिससे एक पिंक कलर आ जाएगा. ये बिल्कुल ही ऑप्शनल होता है, बस ये अपने हमारे आइसक्रीम को और थोड़ा अपीलिंग बनाता है. तो आप इसको अपने स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा टॉप से इवन कर लेंगे, ज़रूरी भी नहीं है, बट मेक थोड़ा सा बाद में स्कूपिंग में हेल्प होगा. इवन करने के बाद हम इसे क्लिंग रैप की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे टाइटली. इससे फ्रीज करते वक्त इसमें आइस नहीं जमती. आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई टिफिन में ट्रांसफर कर दीजिए और उसे लेड लगा के रख दीजिए फ्रीजर में. फिर मैंने इसे फ्रीज कर लिया है ओवरनाइट. ओवरनाइट फ्रीज करने के बाद हम इसके क्लिंग रैप को हटाएंगे और हमारी आइसक्रीम है एकदम अच्छे से सेट. तो अब हम इसे स्कूप कर लेंगे खाने के लिए. आप चाहें तो आप इसे रेक्टेंगल कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं और इसे क्यूब्स में कट कर सकते हैं. तो अच्छे से स्कूप करिए इसे और इंजॉय करिए. आप देख सकते हैं एकदम टेम्प्टिंग लग रही है, और है ना एकदम यूनिक आइसक्रीम फ्लेवर. सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई.
अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस डालती रहूँगी समर में बनाने के लिए, क्योंकि अब समर्स में हमें जल्दी से जल्दी और टेस्टी से टेस्टी डिश बनानी होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।